हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 14 अप्रैल के दिन हमारा सुबह 8 बजे से लेकर रात 7 बजे तक इंग्लिश का मेगा मॉक रखा है, जो सभी लोग दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। कोड आपको हमारा इस्तेमाल करना है, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कोड हमारा क्या है। देखिए, कोड हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, MathBT 40% ऑफ मिलेगा अगर आप लेंगे। और इसके अलावा आप ये ST जो मेगा मॉक है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ST आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से अच्छे ST हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे स्पेशल एयरफोर्स की सीरीज, और इसके तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल लिपर को। और हम बात करें अपने मॉडल लिपर की, तो हम लोग 30 मॉडल पर डिस्कस कर चुके हैं। आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि मॉडल लिपर हम नंबर लेकर आए हैं पे 31। तो लगातार आप इन वीडियोस को देखते रहिए। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ, और फिर आपके सामने आज मैं 10 क्वेश्चन 31 पार्ट में लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। बस आपको करना ही है कि आप कमेंट्स करके हमें बताते रहिए कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ कि अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, जिसमें हम रात में 8 बजे और दोपहर में 12 बजे हम लोग रागा की क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि जो एयरफोर्स फाइव ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें 8 बजे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे एयरफोर्स के जो टेक्निकल ग्रुप में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें हम 25 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, और पढ़ते हैं आज की सबसे पहली स्लाइड पर। तो देखिए, सबसे पहली स्लाइड पर देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, जो कि प्रोबेबिलिटी से है। लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉ इज ब्लू। इसका मतलब है कि एक थैला है हमारे पास, क्वेश्चन समझिएगा पहले, फिर करने की कोशिश करिएगा। एक थैला है जिसमें 2 रेड 3 ग्रीन और 2 ब्लू गेंदे हैं, ठीक है। इसमें से 2 बॉलें निकाली जाती हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो जो दोनों बॉलें निकाली गई हैं वो नीली ना हो। तो जाहिर सी बात है, हम इससे अगर बॉल निकालते हैं तो नीली तभी होगी जब हम नीली निकालेंगे। अगर आप बॉल नीली निकालो ही ना, तो यहाँ से नीली कैसे हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो हम इस नीली बॉल को टच ही नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 5 5 में से 2 बॉल निकाल लेते हैं। तो ये 5C2 जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज एनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू PENE/NS होता है, मैंने पहले ही बताया है। ये 5C2 है, 5C2 को सॉल्व करते हैं तो 5 × 4/2 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका 10, ठीक है। बात करें एनएस की, तो एनएस ओवरऑल से बॉल निकाली जाएंगी। तो ओवरऑल बॉल देखी जाए तो 2 3 5 2 7, तो 7 में से 2 बॉल निकालेंगे, 7C2। तो यहाँ आ जाएगा 7 × 6/2, ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो एनी हमारा आ गया 10, और एनएस आप देख पा रहे हैं कितना है, 21, ठीक है। तो 10/21 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में वो फर्स्ट का आंसर होगा 10/21, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध एस जो है वो एक्स एस वाई के रूप में परिभाषित है। इंग्लिश में देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि पूर्णांक एक्स पूर्णांक वाई को विभाजित कर देता है तब ये बताइए कैसा संबंध है। तुल्यता संबंध, देखिए संबंध हमारे पास 4 होते हैं। एक होता है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर होता है हमारा सिमेट्रिक, फिर होता है हमारा ट्रांसटिव, और फिर होता है इक्विवेलेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हम स्वयं से रिलेशन दिखाते हैं। सेमेट्रिक में एक अगर बी से जो रिलेशन है वही बी का ए से हुआ तो वो सेमेट्रिक होता था। ट्रांसटिव में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन जो बी से है वही बी का अगर सी से है, और ए का और सी से जो रिलेशन है वो अगर सेम होता है तो हम यहाँ पे ट्रांसटिव कहते हैं। इक्विवेलेंस ये तब होता है जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सेमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है पूर्णांक वाई को विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो, देखिए कोई भी आप नंबर लेंगे तो वो स्वयं को तो डिवाइड आपका कर ही देगा, ओके, क्योंकि स्वयं को सारे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात होती है तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन स्वयं से दिखाते हैं। यानी कि 2 का रिलेशन जैसे 2 से दिखाया जाए तो 2 का 2 में डिवाइड हो जाएगा, 3 का 3 में दिखा लीजिए, किसी भी नंबर का अगर स्वयं से रिलेशन दिखाएंगे तो वो डिवाइड उसको कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये श्योर हो गया कि रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अगर हम देखें तो 2 अगर यहाँ पे 4 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 4 2 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। तो ये तो फॉलो हो रहा है लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा,
सॉरी सेमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। सेमेट्रिक में हम लोग 2 का 4 से दिखा रहे हैं तो वही 4 का 2 से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेमेट्रिक नहीं है। सेमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे ये ए भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुल्यता संबंध वही होता था जो तीनों होता था, ठीक है? इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो तीनों होते हैं, लेकिन ये सेमेट्रिक नहीं है इसलिए ही नहीं हो सकता। अब रिफ्लेक्सिव हमारा होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए मना कौन सा कर रहा है? अभी चलिए यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकता है, हम लोग ट्रांस टू चेक कर लेते हैं। ट्रांस टू के केस में क्या होगा? देखिए, 2 अगर यहाँ पे 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो हमें एक ऐसा रिलेशन और लेना पड़ेगा। देखिए, 4 ले लेते हैं और ये 8 को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 यहाँ पे 8 को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सेमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांसटिव है। तो आंसर होगा स्वतुल्य तथा संक्रमक। तो स्वतुल्य और संक्रमक आपको आंसर में दिया गया है सी में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, आंसर इसका सी करेक्ट है। एक दोबारा आप और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लगातार मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही बताता रहा हूँ और ये क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लिमिट से लिया गया है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 की होल पावर प्लस एन लिखा हुआ है और अपॉन में लिखा 1² + 2² + 3² + n². देखिए, एक तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो हमारा सिग्मा एन लिखा हुआ है, क्या लिखा है ऊपर? ऊपर देखिए सिग्मा एन लिखा हुआ है, ठीक है? और नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट लगा के इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हों और नीचे की डिग्री बड़ी हो और ऊपर की डिग्री छोटी हो, तो ऐसे केस में हमेशा जो आंसर बनता है वो 0 बनेगा, ठीक है? जब नीचे की छोटी होगी, अगर नीचे छोटी है, देखिए मैं लिख देता हूँ स्मॉल अपॉन लार्ज, अगर नीचे बड़ी है और ऊपर छोटी है तो आंसर हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर ऊपर बड़ी है और नीचे क्या है छोटी, तो आंसर यहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी, ठीक? और इसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं, अगर ऊपर और नीचे इक्वल नंबर लिखे हुए हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इसके नंबर्स होंगे उनकी कॉफिशियंट को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक 2x² + 3x + 4 लिख दिया, ठीक है? दूसरा लिख दिया मैंने 3x² + 6x + 5, ठीक है? अब यहाँ पे लिमिट वो आपको दी गई है एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो अब आप क्या करेंगे? अब देखिए दोनों पे ऊपर डिग्री जो है वो सेम है, तो आप इनके कॉफिशियंट डिवाइड करिए। इसका कॉफिशियंट 2 है और इसका कितना है 3, तो इसका आंसर 2/3 बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x³ लिखा होता तो फिर हम आंसर 0 तुरंत टिक कर देते, और अगर ऊपर यहाँ पे 3 लिखा होता तो फिर हम लोग आंसर इन्फिनिटी टिक कर देते, ठीक? फिलहाल यहाँ पे देखिए नीचे बड़ी है पावर, तो नीचे बड़ी होने पर आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे? 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा है, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sin x + 4 cos x + 3। देखिए सभी ने पढ़ा है आप लोगों ने कि कभी भी अगर लिखा होता है ए साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस का अंडर रूट a² + b²। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो इसी में आपको माइनस लगा देना होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है केवल इसमें ही आपको वैल्यूज निकालनी है। तो 2 ये a हो गया और ये हो गया b, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16, 16 * 4 = 20 हो जाएगा, और 20 को लिखेंगे 2√5, ठीक है? और ये जो प्लस का 3 यहाँ पे लिखा था ये ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। किस ऑप्शन में दी गई है आपको? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये लॉगरिथम से लिखा हुआ है कि इफ लॉग बेस में एक्स वाई इज इक्वल टू 100 एंड लॉग बेस में 3x = 10 देन दी वैल्यू ऑफ वाई। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें लॉग बेस में यहाँ पे एन और यहाँ पे एम, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम, ठीक है, और डिवाइड बाई लॉग एन। और देखिए इसके बेस में हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ई लिखते हैं तो आपको यहाँ भी ई लिखना पड़ेगा, ऊपर एक्स लिखेंगे तो यहाँ भी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस में 3 चाहिए, तो हम इसको ब्रेक करके ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 3 लिखेंगे। देखिए कैसे, इसको हम लिख देंगे वाई अपॉन में लिख देंगे लॉग। अब बेस में हम चाहें तो जो दोनों चाहे वो लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। क्यों ऐसा किया ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम इसकी जगह 10 रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसकी जगह 10 रखेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 10 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 आ जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 की पावर में आ जाएगा 1000, तो 3 की पावर 1000 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो चीज़ें हैं ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ये आपको पता होनी चाहिए थी, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा हुआ है द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x = sin²t
वाई इज इक्वल टू टू कॉस टी इज, ये मतलब कि जो ग्राफ दिया गया है एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी और वाई इज इक्वल टू टू कॉस टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कहीं भी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दिखता है और आपसे पूछ लिया जाए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप साइन थी और कॉस टी जो दिया गया है इसको एलिमिनेट कर ले। तो आपके पास देखिए साइन टी में कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल हमारे पास होता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी, ये आपका वन होता है, ठीक है। तो आप साइन टी की वैल्यू साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप, एक्स यहाँ एक्स रख दीजिए, ठीक है। प्लस कॉज स्क्वायर टी के लिए आप क्या करिए, कॉस टी निकाल लीजिए, कॉस टी की वैल्यू वाई बाई टू है यहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, इक्वल में वन आ गया। अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा फोर ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, और इस ये आप भली भांति जानते हैं कि ये कहे की क्वेश्चन लिखी है, ये एक पैराबोला है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर क्या टिक कर दिया, ए, क्योंकि ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी को क्लियर है, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस जरूर आ जाएगा, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये इधर वन माइनस एक्स होगा, माइनस कॉमन लेंगे तब एक्स माइनस वन आएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये प्रोबेबिलिटी उससे लिखा हुआ है, परमुटेशन से द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडोस लिखा हुआ है एक वर्ड, देखिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा है एम ई ए डी ओ डब्ल्यू एस, ठीक है। आपसे कहा गया है इसमें से ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवल्स जो है वो इवन प्लेसेस पे आएंगे, यानी कि सम स्थानों पर आएंगे, ठीक है। तो वॉवल ढूंढ लीजिए कितने, एक दो तीन, तीन वॉवल्स हमारे पास आए, ई है ए है ओ है, ठीक है, इनको हमको इवन प्लेसेस में रखना है, और टोटल वर्ड कितने हैं हमारे पास, सात। तो देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर्स लिखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें देखिए इवन प्लेसेस कितने हैं, दो है चार है और छह है, इन तीन प्लेसेस पे हमें तीन वॉवल्स फिल करने हैं, यानी ई ए और ओ, तो इन पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो तीन प्लेसेस में तीन वॉवल्स पुट करने के जो तरीके होंगे दैट इज थ्री पी थ्री, जिसको हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री भी लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए कितना आएगा, इसके बाद अब बाकी बचा हुआ है वन आपका, फिर आपका थ्री बचा हुआ है, फिर फाइव बचा है, फिर सेवन, यानी कि ऑड प्लेसेस जिस पे आपको बाकी जो नंबर्स जो लेटर्स बचे हैं यानी कि एम डी डब्ल्यू और एस को पुट करना है, यानी कि चार में चार, तो चार पे चार को पुट करना है, तो इसको फोर पी फोर लिखेंगे, जिसको हम लोग फैक्टोरियल फोर भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल थ्री का मतलब सभी को पता होगा छः होता है, फैक्टोरियल फोर को मतलब होता है चौबीस, तो सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर। तो ओवरऑल इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 144, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन से लिखा हुआ है कि एक रेखा पर मूल बिंदु से अभिलंब की लंबाई 5 इकाई है और रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि रेखा का समीकरण क्या है। तो देखिए आपने एक लंब रूप पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं, इन स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिएगा, ये अगर हमारे एक्सेस हैं और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई जो होती है अभिलंब की लंबाई दैट इज पी कही जाती है, ठीक है। और इसका जो ये एक्सेस से इंक्लाइनेशन होता है दैट इज अल्फा, तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिखते थे, याद कीजिए आप लोग सभी को याद होगा, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। बस यहाँ पे हमें ये p गिवन है, देखिए कितना गिवन है, p p गिवन है हमको पाँच, तो आप पाँच रख दीजिए इक्वल में पाँच, ठीक है। तो इक्वल में लोग पाँच रख देते हैं, इज इक्वल टू अल्फा जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। अल्फा कितना दिया गया है आपको, अल्फा दिया गया है आपको 120, तो 120 हम रख देते हैं, तो x cos अल्फा का मान यानी कि cos 120 माइनस का 1/2 होता है, यहाँ पे रखेंगे तो y sin 120, sin 120 का मतलब हो गया sin 90 प्लस 30 यानी कि cos 30, और क्योंकि साइन 90 प्लस आपका सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में आपका साइन प्लस होता है, तो कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा वाई रूट 3 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 10, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, वाई रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 आपको किसी भी ऑप्शन में गिवन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्लियर है सभी को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस ये जो आपको कंडीशन जो हमने यहाँ पे बताई है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे जो P है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और ये अल्फा जो है ये आपका इंक्लाइनेशन होता है एक्स एक्सिस से, ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है हमें इसका सोल्यूशन बताना है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो इस फॉर्मेट में होती है dx अपॉन dy, ठीक है,
प्लस का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल में क्यू। तो इसका हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई एफ निकालना होता है, जिसको हम लोग समाकलन गुणांक कहते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन ई की पावर, ठीक है, पी डी वाई, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन होगा, ये देखिए आपका क्या होगा इसका सोल्यूशन, फिर ये यहाँ पे यहाँ से निकाल के रखना होता है एक्स इंटू आई एफ, ठीक है, इस तरीके से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है यानी कि डी एक्स, ठीक है। ये आपको सबसे पहले तो हम लोग आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ कैसे निकालेंगे, आई एफ के लिए हमें चाहिए पी, पी इससे कंपेयर कराइए। देखिए पी की जगह कितना लिखा है, वन अपॉन वाई, पी की जगह यहाँ पे देखिए वन अपॉन वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटू में वन अपॉन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपुट करेंगे जैसे ही देखिए, तो वो कितना मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, जिसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वाई। तो ई की पावर अगर लॉग वाई लिखा हुआ है तो हमें पता है इसके बेस में ई है, और ये वाला बेस, ये वाला बेस सब सेम होता है, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ लिखी है वही होगी, यानी कि वाई आ गई। तो आई एफ वाई आ गया, आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो एक्स इंटू आई एफ यानी कि वाई, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू कितना है आपका, क्यू आपको यहाँ पे दिया गया है वाई स्क्वायर, अगर इक्वल में ले जाए तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई, इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर फोर अपॉन फोर प्लस का सी, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पे मिल रहा है, देखिए कांस्टेंट के चक्कर में ना पड़िए आप, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में वाई की पावर फोर और प्लस का फोर सी, इस फोर सी के चक्कर में ना पड़िए, यहाँ पे सी लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका मैच होना चाहिए, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अच्छी तरह से फेटे गए ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से बिना प्रतिस्थापन के दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के इक्की होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। टू कार्ड ड्रॉ किए गए हैं 52 कार्ड्स के से, ठीक है, कार्ड से 52 कार्ड से, तो 52 में से हम लोग अगर दो निकालते हैं तो 52 सी2 ये एनएस होगा। एनी क्या करना है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि दोनों पत्ते इक्की होने चाहिए, और इक्की हमारे पास जो होते हैं वो चार होते हैं, तो उन चार में से कोई दो ही हो सकते हैं। तो 4C2 का मतलब हो गया 4×3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आया हुआ है, पिछली बार ये पूछा गया था, और ये आ जाएगा आपका 52, मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/221, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है बी ऑप्शन में, क्लियर है। तो आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय।